हाय फ्रेंड्स, राजेश हियर फ्रॉम technobuzz.net। काफ़ी टाइम से एक रिक्वेस्ट जी थी हमारे वीडियोस के ऊपर आ रही थी कि कोई ऐसी थीम लेके आइए जो MIUI 11 पे परफेक्टली काम करे, जिसके अंदर जो है आपके क्यूब टॉवर जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएं, आपके स्टेटस बार के जो आइकन से वो चेंज हो जाएं और आपका साथ ही साथ सेटिंग पैनल भी चेंज हो जाए। तो वो सब चीज़ें तो आपको इसके अंदर चेंज देखने को मिलती है, साथ ही साथ आपको लॉक स्क्रीन के अंदर जो है काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन इसके अंदर देखने को मिलते हैं, जो कि अब मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं, ये है Redmi Note 7 Pro और इसके अंदर जो है हम MIUI 11 का लेटेस्ट स्टेबल वर्जन जो है उसको यूज़ कर रहे हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमने जो थीम है वो MIUI 11 के ऊपर ही अप्लाई की है। तो ये देखिए, कुछ थीम का लुक आपको ऐसा मिलता है, आपके सारे आइकन्स जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाते हैं। अब अगर आप स्टेटस बार के आइकन्स को देखना चाहें तो वो भी आपके जो बैटरी आइकन और परसेंटेज और साथ ही साथ आपके नेटवर्किंग आइकन्स हैं वो भी कम्प्लीटली चेंज हो गए हैं। आपका जो डायलर पैड है वो आपको कुछ अलग सा देखने को इसके अंदर मिलता है। उसी तरीके से जो आपका मैसेज इनबॉक्स है वो भी आपको अलग सा इसके अंदर देखने को मिलता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो सारी चीज़ें इसके अंदर चेंज हो गई हैं। आपका जो क्विक सेटिंग्स पैनल है वो भी आप देख पा रहे होंगे, आइकन्स वगैरह इसके अंदर सारे कम्प्लीटली चेंज हो गए हैं। आपको जो क्लॉक और डेट का जो विजेट मिलता है वो भी आपको इसके अंदर नया सा ही देखने को मिलता है। तो इस थीम को आप अपने किसी भी Xiaomi के फ़ोन के अंदर यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर MIUI 11 रन कर रहा हो, क्योंकि काफ़ी सारे लोग बोले थे कि जो MIUI 10 की थीम्स थी वो काम नहीं कर रही। उसका रीज़न ये है कि अभी जो डेवलपर है उन्होंने MIUI 11 के लिए जो थीम्स को बिल्ड करना स्टार्ट नहीं किया है, तो इसलिए वो आपको प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि आपके क्यूक सेटिंग्स पहले जो था वो मोस्टली चेंज नहीं होता था, बट आप इस थीम में देख पा रहे हैं वो ऑलरेडी चेंज हो गया है। अगर लॉक स्क्रीन के ऊपर जाएं तो लॉक स्क्रीन के ऊपर आपको दो मोड मिलते हैं, एक लाइट पैटर्न और एक डार्क पैटर्न। आप लाइट या डार्क मोड जो भी इसके अंदर यूज़ करना चाहें उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, आपको क्लॉक विजिट किस तरीके का चाहिए। देखिए, काफ़ी सारे आपको क्लॉक के विजिट इसके अंदर देखने को मिलते हैं, मोस्टली 5 विजिट्स आपको देखने को मिलते हैं। मेरा फेवरेट जो है ये 4th वन है, ये है, मैं इसको रखूँगा। उसके बाद आप टेक्स्ट साइज चेंज कर सकते हैं, इसका कौन सा टेक्स्ट चाहिए आपको उसको आप सिलेक्ट करिए। उसके बाद जो है आपको इसके अंदर जो क्विक सेटिंग्स पहले मिलता है लॉक स्क्रीन पे, आप उसको भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, कौन सा चाहिए। सपोज मैं इस बार इसको रख लेता हूँ। और उसके बाद आपको जो बैटरी आइकन होता है, आपको जो चार्ज करते हैं वो आपको कैसे चाहिए उसको सेटअप कीजिए और ओके कर दीजिए। देखिए, तो कुछ इस तरीके आपको क्लॉक विजिट मिलती है और कुछ इस तरीके आपको यहाँ पे साइड में बटन्स देखने को मिलते हैं। नीचे आपको म्यूजिक प्लेयर मिल जाता है, जहाँ से आप म्यूजिक प्लेयर को एक्टिव कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको लेफ्ट साइड पे एक यहाँ पे सेटिंग का भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिसको आप यहाँ पे ओपन करके इसको इनेबल भी कर सकते हैं कि कौन सा आपको चाहिए, उस तरीके की थीम आप यहाँ पे अपने फ़ोन के ऊपर पा सकते हैं। तो इस थीम को अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन होती है MIUI थीम एडिटर, उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। उसको डाउनलोड करना पड़ेगा तभी ये थीम जो है आपके फ़ोन पर काम कर पाएगी, क्योंकि अभी इस टाइम पर MIUI 11 के लिए कोई भी थीम परफेक्टली काम नहीं कर रही है, यानी कि आ नहीं रही है। अगर आप चाहते हैं एक परफेक्टली काम करें तो आपने MIUI थीम एडिटर को डाउनलोड लेना है, और उसके बाद एक फाइल जो है जो हमने अपने फोन के अंदर सेव कर रखी है उसको भी आपने डाउनलोड कर लेना है। मैं आपको दिखा देता हूं कौन सी वो फाइल है। तो ये वो फाइल है PureMT वर्जन 11 MTZE। MIUI 11 की थीम है, थर्ड पार्टी थीम है, जिसको थर्ड पार्टी डेवलपर ने डेवलप किया है ताकि MIUI 11 पे आप ठीक तरीके से इसको यूज़ करें। उसके बाद आप MIUI थीम एडिटर पे जाएंगे, वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है ब्राउज, उसको आप सिलेक्ट करेंगे। आप अपनी थीम को सिलेक्ट कीजिए और ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद स्टार्ट करेंगे, एक ऐड आएगा उसको बैक कर दीजिए, फिर नेक्स्ट करते जाइए, फिनिश कीजिए। उसके बाद जो ये पूछेगा इंस्टॉल, इंस्टॉल कर दीजिए। एक ऐड आता है, क्लोज कर दीजिए। ओके ओके करने के बाद ये बोलेगा आपको थीम स्टोर पर जाना है, अपनी थीम ऐप पे, और वहाँ पे जाके उस थीम को सिलेक्ट कर लेना है। तो ये देखिए, वहाँ पे आपको जो है दो थीम्स देखने को मिलेगी, एक PureMT वर्जन 11 और एक अप्लाई मी PureMT 11। जो अप्लाई मी है आपने उसके ऊपर टैप करना है और उसको अप्लाई कर देना है। उसके बाद जैसे ही अप्लाई करेंगे, जो MIUI 11 की जो थीम थी वो आपके फ़ोन के अंदर परफेक्टली अप्लाई हो चुकी, क्योंकि देखिए हमारी क्यूक सेटिंग्स पहले जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया है, हमारे स्टेटस बार के आइकन्स चेंज हो गए हैं, हमारा डायलर पैड चेंज हो गया है, और लॉक स्क्रीन के ऊपर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। जो भी आपको पसंद है उसको सेटअप कीजिए और ओके कर दीजिए। कुछ तो इस तरीके का लुक आपको अपने फोन के अंदर देखने को मिल जाता है। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का ये थीम रिलेटेड वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके पास कोई सजेशन है या थीम है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।